राम राम जी, जय जोहार। इधर धूप आ रही है, इधर की साइड कर लो। तो ऐसा है कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ आज जगने में। सीन दरअसल ऐसा है कि वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ। ऐसा था कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक लड़की थी, उसने मैसेज किया तो उसने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए। तो पहले मुझे लगा शायद उसको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ऐसा कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन बाद में उसने 6-7 मैसेज और किए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको मेरी ज़रूरत हो। तो उसने मुझे बताया कि भाई उसका रीट का एग्ज़ाम है 26 तारीख को, आने वाले 26 को। तो उसका एग्ज़ाम सेंटर है उदयपुर में और वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है, तो उसको किसी ऐसे बंदे की हेल्प की ज़रूरत हो जहाँ उसको रुकना हो सके। तो भाई मेरी वीडियो अगर उदयपुर में किसी फैमिली बंदे के पास पहुँच रही हो तो उसको रुकने की व्यवस्था अगर आप कर सको तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसी कमेंट के रिप्लाई में आपको उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगा, आप प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करना। मैं ऑलमोस्ट हेल्प की कोशिश ही करता हूँ, जितने लोगों की हेल्प कर सकूँ करता हूँ। तो मेरे ज़रिए मुझे नहीं पता है काम ठीक है नहीं है, लेकिन जो भी है मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई ये है हमारी बोरिंग जहाँ हम सुबह के टाइम आए आज मोटर चलाने के लिए, और ये है इसका स्टार्टर पुराने टाइम की इस तरह। और ये हमारे पुराने घर वर है, ये देखो ये पूरा जुगाड़। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा घास फूस उग रहा है, ये देखो पहले हम इस घर में रहा करते थे भाई, ये इसी तरह के कच्चे घर थे हमारे। और इनको भी ज़्यादा चेंज करे ज़्यादा दिन नहीं हुए, लास्ट 3-4 साल हुए। तो मान लो कि यार 3-4 साल पहले हम यहाँ रहते थे भाई इन कच्चे घरों में। उधर की साइड भी है लेकिन वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा उग गए तो दिख नहीं रहा, दिखाता हूँ शायद दिख जाए, नहीं दिखेगा भाई। पीछे की साइड है, यहाँ 3-4 पाथौड़ है, ये सारा कुछ है मतलब। अब यहाँ हमने एक टंकी बना रखी है बोरिंग की वजह से, और इस पाइप से हमारे घर पर पानी चला जाता है। और यहाँ हमने नली लगा रखी है रास्ते में आने जाने वालों को पानी पीने के लिए। हालांकि हम इस टंकी पे बहुत कम पहुंचते हैं, सिर्फ हमने पब्लिक के लिए लगा रखी है ये टंकी, लगा रखी है ताकि लोग बाग पानी पी सके और नहा धो सके। क्योंकि ऐसा है कि गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे गांव में, और ये एकमात्र बीच गांव में बोरिंग है जहां पे पानी है, लोग पीने के लिए ले जाते हैं और नहाते धोते भी हैं ये। हालाँकि काफ़ी सारा कीचड़ कर रखा है लेकिन हम रहते नहीं है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ है, अभी सिर्फ सेवा के लिए भाई बोर। तो चलते हैं घर पर, चले घर चल। तो ये भाई दिल के सही मेरी मौसी का लड़का है, चलो हम बाइक लेकर आए फटफट आ सुबह सुबह। हमारे साइड पहले बाइक को फटफटा बोलते थे भाई, यामा की चलती थी, यामा आ चलाई ना। ओ भाई ये क्या दिख गया मेरे को, जोक कितनी खतरनाक है भाई, ये वही जोक है जो एक बार चिपट जाती है ना पूरा खून चूस लेती है भयंकर वाला। तो ये मान लो कि घास फूस में हर तरह के जीव जानवर मिल ही जाएंगे आपको, जो कि बेहद डेंजर हो सकते हैं। कई बार तो यहाँ सांप भी निकले थे भयंकर भयंकर, पहले रहे तो फिर देखी सारी चीज़ें वो बात है। अरे साबुन रह गया, साबुन रह गया, साबुन रह गया, साबुन रह गया मेरे लक्ष्य साबुन। घुमा घुमा गाड़ी, घुमा गाड़ी, घुमा रहे तो सुबह के 9 बज चुके हैं और भाई सब्जी का डिपार्टमेंट अपने लिए रेडी है। तो ऐसा था कि आज मैं भिंडी बना रहा हूँ, और ये भिंडी दरअसल परसों की है, फ्रीज में रखी हुई थी, परसों मैं एक प्लेट आया था तो बची हुई है। ये अदरक है भाई, अदरक मैं हर सब्ज़ी में डालता ही हूँ, कंपलसरी है। इसके अलावा प्याज है, और हमारे घर में लहसुन बहुत है एक्चुअली, तो लहसुन मैं काफ़ी सारा डालता हूँ। और मिर्ची एकदम ताज़ा लेकर आया हूँ अभी दुकान से, हमारे गाँव में 6 से 7 दुकानें सब्जियों की, तो सब्जियाँ ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, लेकिन कुछ चीज़ हम एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो मिर्चियाँ अभी लेकर ही आया हूँ, थैली फेंकेंगे नहीं एक्चुअली, हम थैली को फेंकते नहीं हैं, इन थैलियों को रख लेते हैं, बाद में काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है बाद में थैली। कई बार मैं भंडारों में जाता हूँ तो उसको लेकर जाता हूँ बांध के लाने के लिए। भाई मदर इंडिया की भैंसों को पहुँचाने के लिए आ गया हूँ मैं, और इनको पहुँचाने के बाद अब जाएँगे हम घास का भरोटा लेने के लिए। तो उससे पहले खाना खा लेते हैं, आज वही खाने में ही मान लो भिंडी की सब्ज़ी रोटी और वही अपना दही का कटोरा जिंदाबाद। ये कटोरा मतलब ख़तरनाक चीज़ है वास्तव में यार, इसका टेस्ट आ जाओ सारे के सारे भंडारे में आ जाओ रे भाई। हमारे घर में चाय दिन में 2 से 3 बार बन जाती है, क्योंकि सारे घर वाले चाय के बगैर जी नहीं पाते। तो ये मान लो चाय का तगड़ा ही क्रेज़ है हमारी साइड, सारे घर वाले पीते, गांव में मोस्टली लोग पीते ही। हालांकि चाय नुकसानदायक होती है, ये गिलास है भाई चाय का, जो फिक्स गिलास मतलब चाय के लिए ही लाए थे हम इसको, क्योंकि फिक्स गिलास है। आजा बेटा ले चाय पी ले, नहीं पी रही भाई। ऐसा है कि मेरे फादर इंडिया चाय अगर घर में नहीं मिली तो दुकान पे जाके पीते हैं, तो इसलिए हम पहले टाइम टू टाइम बना देते हैं। तो ये चाय इनके लिए, मेरे फादर इंडिया का भाई ये घर फिक्स है ये वाला रूम। और ये देखो मतलब उनका एंटरटेनमेंट का जुगाड़, ये पुराना से टीवी है। खैर आपकी दुआओं से जल्दी से नया टीवी आ जाए, अब बस अब
तो ये सीन है भाई, दिन में 2 से 3-4 बार चाय, तो ये सब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाई गेहूँ की साफ़ सफाई चल रही है, ऐसा है कि पीसने से पहले हम इनको अच्छे से साफ़ करते हैं। देखो कई सारे वो होते हैं इनमें, मतलब क्या बोलते हैं, वो रखा हो ही जाता है गेहूँ, मतलब सिस्टम ख़राब, तो इसलिए इनको अच्छे से हम साफ़ कर लेते हैं जुगाड़ को पल्ले पे बिछा के। इसको बोलते हैं पल्ला, ये कट्टे के बनता है एक्चुअली। इस तरह साफ करते हैं इसको उड़ा के। वैसे तो पंखा लगा दे, लेकिन अब पंखे की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही काफ़ी हवा चल रही है, तो ये ठीक ठाक से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से जो उड़ता है उड़ जाता है एकदम बगल में, एकदम जो कचरा कचरा होता है ना उस साइड में, बाकी मैन गेहूँ बच जाता है। इसको पीसते हैं भाई पिछड़ोने के रूप में। पहले नाच छड़ने के लिए छाजड़े नाम की चीज़ हुआ करती थी, अब तो भाई परात से ही काम ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परात ही बोलते हैं, छलनी है तो खैर। वैसे वो होया करती थी एक छाजड़ो, मतलब सिरकियों को बना रहे थे वो छाजड़ो, पहले गाँव में बिक रहा है छाजड़ो, छाजड़ो लकड़ी को तो सूप बोलते हैं, सूप है, हाँ तो सूप ही बोलते हैं भाई हमारी साइड तो उसको छाजड़ा बोलते हैं, इनके गाँव में बोलते हैं सूप। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई, ये चीज़ तो स्पेशल है। खैर मैं उसकी फ़ोटो लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, देखो साइड में इस वाली। और ये पहले मैं भी ऐसे बैठा करता था भाई नाक साफ़ करते हुए, बेटा कान में नहीं चल जा गेहूँ है ना, ध्यान रख जो। दोपहर के 12 बज चुके हैं, ड्रॉप डाली आँख में भगवान, मतलब कैमरा सामने आते ही, मतलब यार आधे अरे ये को कैमरा, ये दादा ये आँख में ड्रॉप डाल ली नहीं डाली तो पर डाल ले यार, कौन सी वाली ड्रॉप है ये, यही है, ढक्कन खोल, कैमरा सर मारी है बता रहे यार, ऐसे कैसे पार पड़ेगी नाक कर, कौन सी आँख में ऐसा था, एक बूंदी डाल ली है ना तो बाहर निकाल ली तूने पूरी, तो ले आँख बंद रख 2 मिनट के लिए, आँख बंद रख। ऐसा था भाई 10-15 दिन से आँख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जो मैंने वीडियो में शेयर भी किया था कि प्रॉब्लम क्या थी आँख में, क्या है कुछ चला गया था उसकी वजह से कोई घाव पड़ गया। अब वो घाव बढ़ते बढ़ते आ गया, तो डॉक्टर ने जो ड्रॉप दी थी उनको डालने का टाइम है, तो वही डाली है। नहाने धोने से पहले चलते हैं नार के भरोटा ले पे, पहुँचते खेतों में। ऐसा है कि भाई बरसात की वजह से गाँव के सारे रास्ते बंद हैं इन दिनों, कि गाँव में कच्चे रास्ते खेतों तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे मतलब पानी भरा हुआ है कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आज हमने एक शॉर्टकट अपनाया है खेतों की डौड़ों के बीच बीच होके। तो यहाँ होके पहुँचेंगे हम हमारे खेत में, जहाँ घास के भरोटे रखे हुए हैं भाई, हमारी मदर इंडिया ने काट के रख दी सुबह 8 बजे समथिंग काट दिए थे, तो अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये आ गया सामने हमारा खेत। ये बाजरे इन दिनों क्या है बहुत ही मतलब मान लो ख़राब से हो चुके हैं यार, इन दिनों मतलब फसल ख़राब ही है, क्योंकि बरसात ज़्यादा आई थी तो शुरू में गड़ गए, उसके बाद कुछ दिक्कत आ गई, फिर ये टिड्डी विड्डी हो गई, तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं यार, टिड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई खेर इस बार, तो नुकसान हो गया, बाजरे वगैरह फसल नहीं हो पाई। तो मेरे खेत में तो खैर इस टाइम फसल नहीं है भाई, सामने की साइड आ गया ये हमारा खेत, ये बिल्कुल खाली है, मतलब हमने फसल बोई नहीं और बोई थी जो बर्बाद हो चुकी, तो हमने बाद में इसको जुता दिया खेत में। अभी इसमें घास फूस ये सिर्फ भैंसों के लिए। तो ये पहुँच चुका सामने, दिख गया हमारा नार का भरोटा सामने की साइड रखा हुआ है, 1 मिनट अब पहुँच गया, दिख गया बुरा, चल बिल्कुल जल्दी रख ला। शाम को 4:30 बज चुके हैं और हमारी भैंसें वगैरह घर पे आ चुकी, इनको घेर के लाना पड़ा है, और आज भैंस का भाग चुकी थी तो डंडा लेके गया मैं, तब जाके इनको लेके आया भाई, ये आज मतलब सीन तगड़ा कर दिया इन्होंने। और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, और ये छील दी रही तो, अरे यार भाई ऐसा है, लौकी एक अलग चीज़ होती है गाँव में, जिसको बोलते हैं तुमड़ी, वो ये है, इसलिए छील दिया नहीं तो मैं दिखाता अच्छे से,
कोई बात नहीं, अब शाम के टाइम इसी की सब्जी बनाएंगे हम, तुमड़ी की। आपकी साइड इसको क्या क्या बोलते हैं? वैसे घिया, तुमड़ी, लौकी, तीन नाम तो मुझे पता है, बाकी कोई अगर नाम आपको पता हो तो कमेंट करके जल्दी से बताओ भाई। तुमड़ी तुमड़ी बोला है, तुमड़ी, और बनाने को बोलते हैं रांधबो, तुमड़ी रांधेंगे आज हम। वही तो, ये लौकी दरअसल हम घर पे बोलते हैं, ये क्या देसी लौकी है, मतलब इसको इसलिए बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देसी है, हमारे घर पे उगाई जाती है, और नॉर्मल जो लौकी होती है उसको लौकी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई हमारे तुमड़ी। ये स्पेशल चीज़ है, मैं अभी सब्ज़ी बना रहा हूँ और हर सब्ज़ी में अदरक डालता ही डालता हूँ। लहसुन चलो भाई, एक और चीज़ भाई, हमारे यहाँ छिली हुई चीज़ों को बर्बाद नहीं करते, इस तरह छिली हुई चीज़ों को क्या इकट्ठा करके रख लेते हैं, बाद में हमारी भैंसें इनको खा लेती है, मतलब ये काफ़ी फ़ायदा हो गया इन चीज़ों से। तो ये अब डालेगा भैंस को, इसका जो भी छीला छाला है लौकी का, इसको एक मिनट, ये रही हमारी भैंस, इस टाइम तो अपने डिनर में लग रही है वैसे तो खैर, लेकिन फिर भी हाँ हाँ नया टेस्ट। तो भाई सीन दरअसल ये है, बड़ी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मेरी पिछली वीडियोस में जिन भाभी जी को आपने देखा था मेरे साथ ब्लॉग बनाना है, जिनको मैंने सिखाया था, जिनका पहला वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, एक्चुअली उनके घर पे कुछ बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उनको शायद वो वीडियो अब वो नहीं बना पाएंगे। अब वो रीज़न क्या था, घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे अपना कोई मतलब नहीं, उनका पर्सनल मैटर है, हो सकता है कि उनके घर वाले ठीक हो सकता है वो ठीक हो, ब्ला ब्ला एंड ब्ला, भगवान करे कि दोनों ही ठीक हो। क्योंकि ज़्यादा इस मैटर में हस्तक्षेप ना करते, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा भाई, उसको जो प्रॉब्लम होनी थी वही होगी, अपन तो क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़, अब घर परिवारों में सबके में होती है वो चीज़ें, खैर आपके में भी मेरे में भी वो सारी चीज़ें, तो कोई लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई नहीं करता, वो उनकी अलग पर्सनल प्रॉब्लम है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए छोटी सी एडवाइस दरअसल ये है भाई, आप लोग अगर इस तरह कोई भी चीज़ वीडियो वगैरह की शुरुआत करो, ब्लॉग्स वगैरह की, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह की, कोई भी फोटो वगैरह, तो भाई अपने फैमिली या परिवार से ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेना, ताकि बाद में आंदोलन ना हो। तो आई होप ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर लिया करो, चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, राम राम, जय जोहार।